बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग किसे कहते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हमें इससे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये आज की वीडियो बनाने का हमारा मकसद था। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग किसे कहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक किस्म का बिजनेस ग्रोथ है जिसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं, न्यू थिंग्स सीखने को मिलती हैं, न्यू स्किल्स मिलती हैं, उसके अलावा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, हमें बहुत सारा कुछ इसके अंदर जो है ना आके मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो इसको नेटवर्क मार्केटिंग करने के क्या क्या रीजन होते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर रीजन होता है, जो भी हम काम करते हैं उसके अंदर सबसे पहले हमारा रीजन होता है कि हमें पैसा कमाना है। ठीक है, बहुत सारा पैसा कमाना है। ठीक है, तो ये एक ऐसी फील्ड है नेटवर्क मार्केटिंग की जिसके अंदर हम आके मेहनत तो करते हैं लेकिन हमें उसका रिवार्ड भी उतना ही मिलता है जितनी हम मेहनत करते हैं। ठीक है, ये कोई जॉब नहीं है जिसके अंदर हमें जितना मर्जी काम करें लेकिन पैसे हमें बॉस के मुताबिक मिले हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर हम जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं हमें उतना ज्यादा, मतलब इसके अंदर हमें स्किल्स भी मिलती हैं, उसके अलावा हमें उतने ज्यादा इसमें पैसा भी मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कई पर्सन जो है ना इस बात को नेगेटिव साइड पर लेते हैं, वो कहते हैं सर पैसा चीज नहीं होती। ठीक है, तो मैं ये बात आपको बताता चलूं कि दुनिया का कोई भी काम है ना, ठीक है, उसके अलावा कोई भी चीज है तो वो कहीं ना कहीं आगे कोई रिश्तेदारी हर चीज जो भी है ना एंड पे कहीं ना कहीं आके पैसे बात खत्म होते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये पैसे वाले टॉपिक फिलहाल थोड़ा साइड पे करते हैं, बात करते हैं कि इसके अलावा हमें क्या क्या चीजें इसके अंदर से सीखने को मिलती है, इसके अलावा हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो अब ना सबसे पहले बात करते हैं कि हम सब लोगों का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है। ठीक है, यानी हमारी जो भी यंग जनरेशन है, ठीक है, या जो भी हमसे पहले गुजर चुके हैं, हम सबका अल्टीमेट पर्पस क्या था। ठीक है, या हमारा सबका अल्टीमेट पर्पस क्या होता है। ठीक है, ये होता है कि हमने अच्छे स्कूल जाना है, अच्छे कॉलेज जाना है, अच्छे नंबर लेना है, उसके अलावा अच्छी यूनिवर्सिटी जाना है, उसके बाद एंड पे आके हमें एक अच्छी जॉब लग जानी है। ठीक है, हमारा इसके अलावा इससे बढ़ के हमारा कोई माइंडसेट नहीं बनाया जाता है। हमारा सिर्फ यही माइंडसेट बनाया जाता है शुरू से हमारे माँ बाप की तरफ से कि बेटा तुझे एक अच्छे स्कूल दाखिल करवाया, एक अच्छे कॉलेज दाखिल करवाया, तुम्हें यहाँ से अच्छे नंबर लेने हैं, उसके बाद अच्छी यूनिवर्सिटी जाना है और उसके बाद तुम्हें एक अच्छी जॉब लग जानी है। यानी शुरू से हमारा जो भी माइंडसेट बनाया जाता है वो सिर्फ एक जॉब का माइंडसेट बनाया जाता है, हमारा कभी भी बिजनेस का माइंडसेट बनाया नहीं जाता। हमें यह नहीं समझाया जाता कि बेटा तुम्हें पढ़ लिख के स्कूल अच्छे कॉलेज अच्छी यूनिवर्सिटी जाकर तुम्हें एक बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें कभी भी ये चीज़ नहीं सिखाई जाती। माजर के साथ ही मैं बात करता हूँ, हमें कभी भी ये चीज़ नहीं सिखाई जाती स्कूल कॉलेज जो भी है ना, हमें यही चीज़ की तलीम दी जाती है कि बेटा तुमने पढ़ लिख के ये जॉब करनी है। हर बंदे को उसके जॉब के स्कोर के बारे में कहा जाता है कि बेटा ये जॉब करनी है, ये जॉब करनी है। तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि अगर आप सर्वे देखें ना तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि अगर एक साल के अंदर 1 करोड़ बच्चा निकलता है ना डिग्री लेके तो उसमें से मुश्किल से 25 लाख लोगों को नौकरी मिलती है, बाकी कोई बस इधर छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें गुजारा नहीं करना, हमें अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है। हमें अब जो हमने ख्वाहिशें देखी हैं वो कैसे पूरी होंगी, सबसे पहले हमें होनेस्ट टू योर सेल्फ, हमें अपने लिए जो है ना वो ईमानदार होना पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ कि अगर पढ़ लिख के हम ईमानदार नहीं बनते या पढ़ लिख के हमें मतलब लोगों को समझना नहीं आता, लोगों को डील करना नहीं आता या रिस्क लेना नहीं आता तो हम पढ़े लिखे नहीं कहलाते। ठीक है, अब बात है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमें इस सब चीजों को समझना चाहिए, इन रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, रिस्क टेकर बनना चाहिए, हमें रिस्क टेकर बनाया नहीं जाता। हम शुरू से बस यही बात समझ आती है कि बेटा तुम्हें जॉब करनी है, रिस्क लेना ही नहीं है। ठीक है, रिस्क लोगे तो फेल हो जाओगे, ये तो फेलियर से इंसान कामयाब होता है। ठीक है, फेलियर से इंसान जो है ना कामयाबी की तरफ आता है, लेकिन सिर्फ अपने माइंड को जो अपनी सोच है ना उसको पॉजिटिव करने की जरूरत है। ठीक है, जस्ट माइंड सेट क्रिएट करने की जरूरत है। जिसके पास पैसा नहीं ना है उसने तो पैसे का बुरा ही कहना है कि यार पैसा नहीं है, ये बहुत बुरी चीज है, ये आता है जब रिश्तेदारी छीनी जाती है, ये होता है, वो होता है, लेकिन बात देखना तो कहीं ना कहीं हर बात आके एंड पे आके ना पैसे भी खत्म होती है। ठीक है, तो अगर पैसा ही कमाना है, बात है कि पढ़ लिख के भी अब माइंड ये बनाता है। अब आप ये सोचिए, एक माइंड में ये बात बताएं, मुझे सबको माइंड बॉक्स में बताएं कि पढ़ लिख के भी तो पैसा ही कमाना है ना, पढ़ लिख के भी पैसा ही कमाना है। मैं स्टडी के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं जॉब के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद स्टूडेंट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टडी भी कर रहा हूँ और साथ साथ बिजनेस भी कर रहा हूँ। ठीक है, स्टडी को मैं बिल्कुल बुरा नहीं कहता, लेकिन जो स्टडी का सिस्टम है ना यार, उसमें हमें बस शुरू से ही समझाया जा रहा है कि बेटा तू पढ़ लिख ले, उसके बाद तुमने जॉब करनी है, यहाँ पर जॉब करनी है, अच्छी जॉब करनी है, अपने घर वालों को अच्छे तरीके से हैंडल करना है, ये करना है, वो करना है। हमें जॉब से ऊपर पढ़ के कोई चीज़ बताई नहीं जाती, कोई चीज़ समझाई नहीं जाती, हमें रिस्क लेने वाला बनाया नहीं जाता। ठीक है, रिस्क लेंगे तो कामयाब होंगे ना अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, रिस्क ही नहीं लेंगे तो कामयाब कैसे होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको पैसा किस किस तरह से आता है। ठीक है, सबसे पहले आती है डायरेक्ट सेलिंग, कि अगर आप किसी चीज़ को अगर डायरेक्ट सेल करते हैं, ठीक है, यानी अगर आपने कंपनी से चीज ली, किसी बंदे को डायरेक्ट सेल कर दी तो आपको उसमें से थोड़ा बहुत पैसे बच जाते हैं, ये सबसे पहले। दूसरा, अगर आप किसी को रिक्रूट करके कोई चीज देते हैं तो उसके अंदर आपके अंदर प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आप किसी को अगर रेफर करते हैं, यानी अगर पहले कोई चीज खुद इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आपको अच्छी लगती है, आप आगे से किसी को देते हैं, ठीक है, अब आगे से जब आप किसी को देते हैं, किसी को रेफर करते हैं, ठीक है, तो आपको उसका कमीशन मिलता है, ये इसके अंदर होता है तीसरा अधिकार। लेकिन आप जब किसी को रेफर करेंगे तो सबसे पहले आप जारी बात खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, जब आप खुद उस चीज़ को सीखेंगे, यानी वो चीज़ को ट्राई करेंगे या आपको लोग उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, जारी बात है आपको कोई ना कोई इसके बारे में बताएगा, वो आपको बताएगा, समझाएगा, सारा स्किल सिखाएगा, और जब आप स्किल सीखे, आप
अपने से आगे लोगों को सिखाओगे, ठीक है, तो आपको आपके अंदर न्यू स्किल्स भी आएंगी, ठीक है, उसके अलावा आपका कम्युनिकेशन जो लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है, आप लोगों से अच्छे तरीके से डील कर सकोगे, उन्हें अच्छे तरीके से समझा सकोगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की ये जो फील्ड है इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलती हैं, मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐसी हैं जो आप सबको इसके अंदर अमेजिंग चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलती हैं। इसके अंदर आपके स्किल्स ऐसे इंप्रूव होते हैं जिसकी कहने की कोई बात है कि आपके स्किल्स बहुत ज्यादा तक इंप्रूव होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो फील्ड है इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलती हैं, ठीक है, तो इनमें से जो ब्राइट थिंग्स है ना, मतलब जो ज्यादातर बिग थिंग्स है उसके अंदर, सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन लेवल जो है ना वो बढ़ता है कि यार आप किसी से बात बड़ी इजीली कर सकते हो, ठीक है, उसको अच्छे से हैंडल करते हो, आपको पता है कि यार इस बंदे के सामने कैसे बात करनी, क्योंकि दुनिया के अंदर एक किस्म के बंदे नहीं है, लाखों हजारों अरबों किस्म के बंदे हैं, ठीक है, आपको सबके साथ आहिस्ता आहिस्ता बात करके डील करना आता है, उन्हें समझाना आता है, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन लेवल जो है ना वो बहुत हद तक इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मैनेजमेंट स्किल देखो तो आपको मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत ज्यादा आती है कि यार इस बंदे को मैंने कैसे हैंडल करना है, इसे कैसे हैंडल करना है, अपनी टीम अगर बना लिया मैं लीडर हूँ, लीडर बन के मैंने अपनी टीम को कैसे हैंडल करना है, ये सब आपको आता है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो ज्यादा इंप्रूव होता है, ठीक है। उसके अलावा आपकी लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर आती हैं कि आपको आप लीडर बन जाते हैं, ठीक है, लोगों को डील कर करके उन्हें अपनी टीम में ला के टीम अपनी बना बना के ना आप लीडर बन जाते हैं, ठीक है, आपको लीडर बनना मतलब लीडर बनना आप सीखते हैं। उसके अलावा आप लोगों को लीडर बनाते हैं, ठीक है, आप अपने नीचे टीम बनाते हैं, उनको आहिस्ता 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 सबको जो है ना स्टेप बाय स्टेप जो है ना लीडर बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल आते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट स्किल होते हैं ना वो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी स्किल है कि आपको अपने टाइम को मैनेज करना आता है, ठीक है, कि अगर मेरे पास दिन के अंदर इतना टाइम है तो मैंने ये टाइम इसी चीज को देना है, तो मैं अपनी लाइफ को जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप सक्सेसफुल पर्सन बन सकता हूं, ठीक है, सक्सेसफुल बॉय बन सकता हूं, सक्सेसफुल लेडी बन सकती हूं, मतलब ये सारी चीजें आपको ना इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें ऐसी स्किल्स हैं ये आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव होते हैं। तो मैं आपको सबको यही मशवरा दूंगा कि आप सब भी जो है ना इस फील्ड को ज्वाइन करें, ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। बात हमें तो करनी है वो जॉब में करें, ठीक है, या बिजनेस में करें, तो बाद में आपको रेफर करूंगा कि आप अपने बिजनेस के अंदर मैनेज करें ताकि आपको जो भी स्किल्स मिले, ठीक है, वो आपके अपने लिए हों, ठीक है, आप उसे लोगों के अंदर बांटें, स्किल्स को बढ़ाएं, अपने स्किल्स को मतलब आगे बांटें, और जैसे कहते हैं ना कि बांटने से बढ़ता है, ठीक है, इसी तरह जब आप बांटेंगे ना तो आपके मतलब आप जब लोगों को मतलब अपनी टीम में ले जाएंगे वो लोग आपके वजह से पैसे कमाएंगे तो जाहिर बात है कि आपका भी रिस्क बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप बांट रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें सीखने मिलती हैं। अगर आप डिफेंस की बात करें ना तो अगर एक बच्चा एमबीए करता है, ठीक है, वो एमबीए करता है, उसके अलावा एक बच्चा जो है ना वो 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में रहता है और एक बच्चा एमबीए कर रहा है, ठीक है, तो जो बच्चा एमबीए कर रहा है ना वो 25 लाख रुपया फीस दे रहा है, ठीक है, 25 लाख रुपया फीस देकर वो क्या चीज सीख रहा है, ये चीज सीख रहा है ना कि लोगों को डीलिंग कैसे करनी है, कम्युनिकेशन लेवल कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए, इस फील्ड के अंदर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया था जिसकी कोई इंतहा नहीं है, ठीक है। अब एमबीए की जो फील्ड है उसके अंदर आप एमबीए का जो बच्चा है वो ये सारी चीज सीखता है कि आपने कम्युनिकेशन कैसे करनी है, लोगों को हैंडल कैसे करना है, लोगों को लीड कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो वही चीज जो एक तरफ बच्चा 25 लाख देके सीख रहा है, वही एक तरफ बच्चा जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग जो फील्ड में वो 1-2 साल के अंदर ये सारी चीजें लोगों को डील कर करके वो तजर्बा कर करके सीखता है, ठीक है, वो किताबों से पढ़ रहा है और एक बंदे से सीख रहा है यानी टीचर से सीख रहा है, ठीक है, लेकिन एक तरफ जो नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा है ना वो सारे किस्म के लोगों को डील कर रहा है, उसके पास हजारों किस्म के लोग उससे रब्ता करते हैं, ठीक है, कि हमें सर सिखाएं, हमें बताएं, ठीक है, तो वो हजारों किस्म के बंदे से तजर्बा कर रहा है, ठीक है, तजर्बे से कर रहा है, ठीक है, तो जो काम करके किया जाता है ना यानी तजर्बे के साथ किया जाता है उसके बाद आपको बताया कि उसकी होड़ी वर्थ होती है, उसकी होड़ी वैल्यू होती है। अगर हम एमबीए करने वाले बच्चे को जब वो एमबीए कंप्लीट कर ले उसके बाद जो एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला बंदा है जो 1 साल के बाद मतलब 1-2 साल नेटवर्क मार्केटिंग करता है, अगर हम दोनों बंदों का कंपेरिजन करें ना तो यकीन करें मालिक साथ जो ये नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला बंदा है ना वो इसको हरा देगा, ठीक है, क्योंकि उसने पर्सनल तजर्बा करके ये सारी चीजें सीखी हुई है नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे ने, लेकिन जो एमबीए वाला बंदा है उसने सिर्फ पढ़ी हुई है एक आधे बंदे से, अपने टीचर से, अपने जो क्लास वाले उनसे सीखी हुई है, ठीक है। उसके अलावा ये ऐसा एक स्कूल होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, इसके अंदर आप खुद भी सीखते हैं और अपनी वजह से दूसरों को भी सिखाते हैं, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है। और आपको लास्ट में बात चलूं कि पैसा ऐसे नहीं आ जाता, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, जो भी काम है ना दुनिया का वो मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है, सिर्फ हमारी सोच जो है ना वो उसको नामुमकिन बना देती है कि यार ये नहीं हो सकता, लेकिन करने को आओ तो इंसान हर काम कर सकता है, ठीक है, इंसान हर काम कर सकता है, अगर इंसान चांद पे पहुंच सकता है तो इंसान हर काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ अपने अपने माइंड सेट की बात है, कोई अगर जो माइंड चला लेते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना माइंड चलाया सही टाइम पर चलाया और आज देखें हम अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम घर बैठे अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बात करें कि अब अगर कोई इंसान कामयाब होना चाहता है तो वो सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि वो 2 चीजों को देखे, ठीक है, वो क्या चीज देखे कि यार पहली चीज ये देखे कि उसको क्या चाहिए, यानी उसको क्या चाहिए, उसको ये चीज चाहिए कि यार सबसे पहले उसको ये चाहिए कि यार मुझे क्या चाहिए, ठीक है, वो ये सोचे कि यार मुझे क्या चाहिए। अगर किसी पर्सन को ड्रीम और सबके ना अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, ठीक है, किसी को ड्रीम कार चाहिए, किसी को ड्रीम हाउस चाहिए, ठीक है, अब आप ये मुझे बात बताएं कि किसी को अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, ठीक है, अब मुझे आप ये बताएं कि कभी आपने किसी
जो बोल रहे बंदे को लैंड क्रूजर मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ऑडी कार लेते हो, देखा है कभी भी नहीं देखा, ठीक है। क्यों हमेशा एक बिजनेसमैन ही एक गाड़ी लेता है, क्योंकि वो लोगों को वो खुद मेहनत करता है, वो अपने आप पे यकीन रखे ना, खुद मेहनत करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए कि यार मैं कर लूंगा, ठीक है। ये कहने वाले लोग हजारों हैं कि यार तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती, लेकिन ये कहने वाले लोग बहुत कम है कि यार तू कर लेगा, तुझसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें उन लोगों के साथ रहना है, या उन लोगों की जो है ना, मतलब जब हम अपनी कंपनी भी चेंज करते हैं ना, जिन लोगों के साथ हम पहले बैठे हैं, हम अपनी कंपनी भी चेंज करते हैं, या हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से हमें किसी की दुआ लगती है, तो हम बहुत ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। हमारी सोच से ज्यादा कि हम कितना ऊपर चले जाते हैं। तो पहली चीज आपने ये सोचनी है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। अगर किसी पर्सन को ड्रीम कार चाहिए, ड्रीम हाउस चाहिए, तो वो पहले सोचे मुझे क्या चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये बात सोचे कि जो चीज़ मुझे चाहिए उसको मुझसे क्या चाहिए, ठीक है। अगर बात है कि किसी को लैंड क्रूजर चाहिए, वीए चाहिए, या किसी को गाड़ियां चाहिए, तो ड्रीम हाउस चाहिए, पेरेंट्स को प्राउड फील करें, तो वो देखे कि यार उन चीज़ों को मुझसे क्या चाहिए। मैंने चाहिए, जारी बात है, मैंने चाहिए, हर काम के लिए मैंने जरूरी है, ठीक है, मैंने चाहिए, ठीक है। तो मैं आप सबको एंड पे यही बात लाजमी कहूंगा कि यार आप सब मेहनत करो, ठीक है, अपने पेरेंट्स के लिए। आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर कितना पैसा लगाया, ठीक है, हमारे पेरेंट्स ने, हम सबके पेरेंट्स ने हम पर कितना पैसा लगाया, ठीक है, स्टडी में बेबहाव पानी कितना पैसा लगाया, ठीक है, और अभी तक हमने कमाया क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अपने अंदर यार स्किल्स लेके आओ, ठीक है। मैं ये मानता हूं कि जो पढ़ाई है ना वो सिर्फ आपको लोगों के अंदर उठने बैठने का शौर सिखाती है, ठीक है। जो पैसा कमाना ना वो आपको इंसान को इंसान की स्किल सिखाती है, ठीक है। तो आप जितनी ज्यादा स्किल सीखेंगे आपके लिए बेटर है। तो मैं आप सबको ये मशवरा करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो फील्ड है ना वो बहुत ही एक वसी फील्ड है, आप इसको जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। जो भी पर्सन आपको जो मतलब इसकी ट्रेनिंग करवा रहा है या जिसके थ्रू भी आप कनेक्टेड हैं, आप उसके साथ कनेक्ट हैं, ठीक है, उन्हें कहेंगे जी सर, जी मैम, मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं, आप मुझे सिखाएं, मुझे ये स्किल्स लेनी है, मुझे ये स्किल्स सीखनी है, ठीक है। तो आने वाले दौर के अंदर इस जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसका इतना स्कोप होने वाला है कि आप सबकी सोच से ज्यादा, ठीक है। तो लास्ट में मेरा ही आप सबके लिए बेस्ट विशेज है, ठीक है, कि आप सब जो है ना अपने फ्यूचर के अंदर बहुत बहुत ज्यादा कामयाब हो, ठीक है। और लास्ट में यह कि मेहनत लाजमी करनी है, ठीक है। तो आप सबको मैं यही नसीहत करूंगा, यही एडवाइस दूंगा कि लास्ट पे कि आप सब मेहनत करें, ठीक है, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है, अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन बनाए, अपने आप को एक कोई लड़का है कि लड़की, अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन बनाए, ठीक है, मुआशरे के अंदर अपने आप को कामयाब बनाए, ठीक है। तो कामयाब बनने के लिए मेहनत भी करनी पड़नी है, तो सब मेहनत करें, सबके लिए बेस्ट विशेज हैं, गुड लक है सबके लिए। तो सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हम सबको भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।